ऐसी तो प्लानिंग हम करते रहते हैं जहाँ हम डिसाइड करते हैं अगली बार नहीं करेंगे, फिर अगले एक हफ्ते में ही कर रहे होते हैं। तो ये वन ऑफ दोज प्रोमिसज है कि हम अभी आने वाले दिनों में नहीं करेंगे, करेंगे ज़रूर, अभी वापस नहीं करेंगे। बहुत सारे कांड हो रहे हैं पहले भी और अभी भी हम लोग एक कांड की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कांड का भांडा फूट गया एक्चुअली किंचुक के सामने। तो मैं, शिवा, क्रेश, हम सब एक दूसरे की शक्लें ताक रहे हैं और ये कह रहा है कि पता चल गया इनको। मैं कहती हूँ हाँ, सब समझ में आ गया इसको, बहुत शातिर है ये आदमी। थोड़े टाइम बाद मुझे लगता है शो का नाम पंड्या स्टोर से पंड्या कांड हो जाएगा। हमारे शो में सिर्फ कांड पे कांड ही होते रहते हैं। देखिए, फर्स्टली मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ। मतलब उम्मीद तो मैं इनसे रखता हूँ कि ये कुछ ना कुछ तो कांडी लोग तो सारे ही हैं। तो बट जब मुझे पता चलता है कि भाई ये तो प्लानिंग यहाँ तक हो गई है कि देव जनार्दन के घर पे गया है घर जवाई बन के वहाँ से लोन के पेपर्स चुराने के लिए, तो ये तो गौतम के लिए मतलब उसके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। तो गौतम काफ़ी सरप्राइज है और काफ़ी गुस्सा है कि मतलब बिना तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी, यहाँ पे माँ कमरे से बाहर नहीं निकल रही, वो रामायण की चौपाई सुन रही है। तो गौतम बहुत ही मतलब इसको लेके हिल गया है कि ये क्या हुआ। प्रॉब्लम ये होती ना, अगर धारा, शिवा, देव, क्रेश, अगर हम सब गोम्बी को बताते तो देव वहाँ पहुँच नहीं पाता ना, फिर ये सत्यमेव जयते खड़े हो जाते और हमें कुछ करने नहीं देते। नहीं नहीं देता, फिर हम लोग सोचते रह जाते क्या करें क्या करें। वैसे ये जब ये तीनों बच्चे छोटे थे तब हमने ऐसी कुछ तिकड़म भिड़ाई थी, और अब जब ये बड़े हो गए हैं तो हम फिर से वैसी तिकड़म भिड़ाते हैं और हम फिर से वही तरीका यूज़ करने की कोशिश करते हैं कि हम फिर से वही करेंगे। तो आप देखिए, आगे हम लोन के पेपर्स वापस अपने पास ले आ पाते हैं और उसमें गोम्बी हमारे साथ जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं और कैसे ये पूरा रहस्य हम निपटाते हैं। आप पता नहीं क्यों गोम्बी को ऐसे लग रहा है कि जुड़ने के बाद ही फायदा है गोम्बी का। हाँ? तुम्हारे साथ जुड़ूंगा तो वही फायदा है मेरा, है ना? हाँ, गोम्बी जुड़ेगा तो फायदा है क्योंकि गोम्बी पर शूट कर समझा नहीं कवर। मैं समझ गई। नहीं तो गोम्बी घर पे छुट्टियां मनाएगा। किससे? हाँ हाँ, तो भाई ऐसे हमारे साथ पंगा ले लिया, जबरदस्ती जेल में डाल दिया, तो बदला तो हम लेंगे। अब पहुँचेंगे तो जरूर जनार्दन के घर, वहाँ क्या कितनी बार बदला लोगे तुमने बेचारे जनार्दन को बदला ले लेके उसकी छाती पे अभी तक निशान है। जब तक वो हील होता है फिर से तुम उसकी छाती पीटना शुरू कर देते हो। मतलब कभी कभी इतनी आदत हो गई ना जनार्दन के घर जाके बदला लेने की, कभी कभी हम अपने घर का रास्ता भूल के उसके घर पे। नहीं नहीं, मतलब मैं बताता हूँ, जब जो रियल जो एक्टर हैं जो क्या विजय जी, तो उनकी छाती दिखते हैं ना तो हम लोग जनार्दन और उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी छाती की तरफ हाथ जाता है मारते हुए कि मतलब उधर यार नहीं यार नील पड़ी है आज इस साइड पकड़ लो। And the worst is खुद घर उनका जमाई जाके कूटना है, कूट रहा है ससुर को। जमाई तो ऐसा है जो हमारा अक्षय है जो देव बनता है उसको तो बस मौका मिलना चाहिए, वो अपनी सारी जो बड़ास है वो जनार्दन जी पे निकालता है। सही कहा। भाई बता दो, मेरे को तो नहीं पता, हमको भी नहीं पता है। और आप एक्सपेक्ट कीजिए ढेर सारा ड्रामा विद अ टिंज ऑफ कॉमेडी। और एक तेरा सीक्वेंस आ रहा है ना वो रावी के साथ जो गाड़ी गिरती। हाँ हाँ, अभी वो पता नहीं है किसी को, नहीं पता है, वो नहीं, वो हम लोग बता नहीं। किंचुक का प्रॉब्लम है, पेट में कभी बात नहीं रहती है। बहुत सारा एक्शन, बहुत सारा ड्रामा, बहुत सारी कॉमेडी, बहुत सारे राज और परिवार का एकजुट होना, बहुत कुछ देखने मिलेगा आपको। और बस देखिए, हम वेट करेंगे आपके रिस्पॉन्स का। Keep watching Pandya Stars.